जैसा मालिक कहेंगे जो मालिक कह रहे हो वैसे ही होगा और क्या। जो सबसे पहले हमारी शादी हुई थी तो निर्भय गुर्जर से हुई थी। मुलायम सिंह की सरकार बनेगी या मुलायम सिंह कल सरकार चली है साथ जो सेंडर नहीं होंगे होंगे तो मुलायम सिंह सरकार में राइफल कसम खा के मैं कह रहा हूँ उस टाइम पर। 30 सालों के अपने आपराधिक इतिहास में उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीहड़ को खूब आतंकित किया। दिन में महज 2 घंटे की नींद लेने वाले डाकू निर्भय गुर्जर पर 205 आपराधिक मामले दर्ज थे। निर्भय सिंह गुर्जर चंबल का सबसे दुर्दांत और आखिरी डकैत था। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप, मैं हूं कैलाश बिष्ट। आज बात करेंगे चंबल के उस डाकू की जिसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। 2.5 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने और 2.5 लाख रुपए का इनाम मध्य प्रदेश की सरकार ने। उसके ऊपर 205 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो इतना खूंखार था कि लोग उसके नाम से भी खौफ खाते थे और 30 सालों तक उसने चंबल और बीहड़ों में राज किया। कौन था ये आतंकी, कौन था ये कुख्यात जिस कुख्यात के नाम से लोग अपने घरों के बाहर रंग रोगन करने से भी डरते थे, इस कहानी को देखिए और समझिए कि आखिर वो इतना दुर्दांत कैसे हुआ। बीहड़ का सबसे दुर्दांत डकैत निर्भय के बारे में कहा जाता था कि वो जितना दुर्दांत था उतना ही रंगीन मिजाज भी था। उसके गिरोह के जिंदा बचे कुछ सदस्यों ने निर्भय की मौत के बाद उसका रहस्य खोलते हुए बताया था कि निर्भय जिस गांव में दाखिल होता था बिना किसी का बलात्कार किए वापस नहीं लौटता था। बीहड़ में भी उसके साथ परमानेंट 3 महिलाएं जिसमें नीलम गुप्ता, सरला जाटव और मुन्नी पांडे रहती थी, उसने इन तीनों का अपहरण कर अपने साथ रखा था। निर्भय का अपने बेटे की पत्नी से भी अफेयर था। बीहड़ का सबसे क्रूर डकैत था निर्भय। उसकी क्रूरता के किस्से इतने भयानक हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उसका खौफ इस कदर था कि जो पीड़ित परिवार थे वो भी आप बीती सुनाने से डरते थे। चोरी, डकैती और मर्डर तो वो करता ही था, साथ ही लोगों के हाथ पैर भी काट कर ले जाता था। 200 से ज्यादा मामलों में वो वांछित था और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार उससे इतना ज्यादा परेशान थी कि उस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। उसका मुख्य काम था अपहरण करना। उस दौर के जो लोग हैं वो आज भी जब उसके किस्से सुनाते हैं वो बताते हैं कि कैसे चंबल के पास बसे शहरों में लोग अपने घरों पर रंग रोगन करने से भी बचते थे। अय्यास डकैतों में होती थी निर्भय की गिनती। निर्भय जितना दुर्दांत था उतना ही अय्यास भी था। उसने 4 शादियां की थी। सीमा परिहार से लेकर नीलम गुप्ता तक उसकी 4 पत्नियां थी। सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण के बाद राजनीति में कदम रखकर नई शुरुआत की और वो बिग बॉस में भी भाग ले चुकी है। लेकिन एक समय में उन पर 70 हत्याओं के मुकदमे चल रहे थे। सीमा ने साल 2003 में आत्मसमर्पण किया। उसकी चौथी और आखिरी बीवी नीलम गुप्ता उसे छोड़कर उसके दत्तक बेटे के साथ भाग गई, जिस पर गुस्सा होकर उसने कहा था कि वो उसे पकड़कर लाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देगा। लेकिन बाद में नीलम गुप्ता ने साल 2004 में आत्मसमर्पण कर दिया। गर्लफ्रेंड्स को सलवार सूट पहनने की मनाही थी। माशुकाओं को जींस टी शर्ट पहनने को मजबूर करता था अय्यास निर्भय। निर्भय गुर्जर अपने गिरोह के साथ 3-3 गर्लफ्रेंड को साथ लेकर चलता था। वो उन्हें सलवार सूट नहीं पहनने देता था, इसके बदले वो उन्हें हर समय जींस टॉप पहनने के लिए मजबूर करता था। उसने अपने दत्तक पुत्र श्याम जाटव की शादी सरला जाटव से कराई, लेकिन खुद श्याम ने उसे निर्भय के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद श्याम ने गिरोह से बगावत कर दी। वो निर्भय की प्रेमिका नीलम गुप्ता को लेकर भाग गया, जिसके बाद दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 60 सदस्यों का साम्राज्य और 200 से अधिक मामले। निर्भय गुर्जर के गिरोह में 60 सदस्य थे। इनमें युद्ध सिंह उर्फ लाठीवाला, श्याम जाटव, सरला, नीलम, मंगल सिंह और शोभरन सिंह प्रमुख थे। अपने गिरोह के बूते उसने चंबल के बीहड़ों में अपना एक छत्र राज स्थापित किया। एक दौर ऐसा था कि पुलिस वाले भी उसके गिरोह से मुकाबला करने से कतराते थे। यहीं से निर्भय के कदम धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ने लगे। बाद के दिनों में निर्भय दस्यु लालाराम गिरोह के संपर्क में आ गया। इसी गिरोह के साथ मिलकर निर्भय ने हत्या, लूट, अपहरण, डकैती जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। निर्भय के ऊपर यूपी और एमपी के विभिन्न जिलों में लूट, अपहरण, हत्या और डकैती के 200 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 1989 में दर्ज हुआ पहला मामला। निर्भय गुर्जर का जन्म 1961 में औरैया जिले के गंगदासपुर गांव में हुआ।
लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता के पास 7 से 8 बीघा जमीन थी, लेकिन सिंचाई के साधन न होने के चलते परिवार का भरण पोषण करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। उसकी 5 बहनें थी और एक छोटा भाई था, और उनके भरण पोषण में उसके पिता को दिक्कत आती थी, इसलिए निर्भय गुर्जर ने बचपन से ही चोरी करना सीख लिया था और 1989 में उसके ऊपर पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। दत्तक पुत्र की बगावत से अंत की शुरुआत। बताया जाता है कि निर्भय के दत्तक पुत्र श्याम का उसकी पत्नी नीलम से प्रेम संबंध हो गया था। दोनों करीब एक ही उम्र के थे। साल 2005 में गैंग का उत्तराधिकारी कहे जाने वाला श्याम निर्भय की पत्नी नीलम को लेकर भाग गया। निर्भय को इससे काफी दुख पहुंचा। श्याम और नीलम भागकर पुलिस के पास पहुंच गए। उनके सरेंडर करने से पुलिस को गिरोह के बारे में खुफिया जानकारी मिली। इसके बाद जालौन में पुलिस सतर्क हुई और उसके ठिकानों पर मुठभेड़ शुरू की। सबसे पहले निर्भय का राइट हैंड बुद्धि सिंह लाठी मारा गया। इसके बाद कानपुर के तत्कालीन डीआईजी दलजीत चौधरी ने अपना जाल फैलाकर 2005 में ही चंबल के आतंक यानी निर्भय का खात्मा कर दिया। खुद को मुलायम सिंह का नजदीकी बताता, बीहड़ों में अपने आतंक का राज चलाने वाले दस्यू निर्भय गुर्जर का अंत खुद उसके अपने ही हाथों हुआ। वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का करीबी होने का दावा करता, साथ ही खुद को समाजवादी पार्टी का हीरो नंबर 1 कहता। मुलायम सिंह की सरकार बनेगी या मुलायम सिंह कल सरकार चली है, सातों जो सेंडर नहीं होंगे होंगे तो मुलायम सिंह सरकार में राइफल कसम खा के मैं कह रहा हूँ इस टाइम पर होंगे तो मुलायम सिंह सरकार में हुए चाहे तन धजी धजी उड़ जाए, कोई मुझे तमन्ना भी नहीं होंगे तो मुलायम सिंह सरकार में सरेंडर हो उन्हीं के चरणों में अपनी राइफल जमा ही करें। अपनी राजनीतिक पहुंच का प्रभाव दिखाते हुए निर्भय लोगों की पकड़ किया करता यानी उनका अपहरण करता था। वो मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू दिया करता था कि वो अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांटता है, लेकिन उससे पीड़ित या सताए गए लोगों की पीड़ा दिखाने का समय न मीडिया चैनलों के पास था न ही सरकार के पास। बटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में की मदद। आगरा में बटेश्वर धाम एक पवित्र स्थान है। कहते हैं 8वीं शताब्दी में यहाँ ऐतिहासिक मंदिर था जिसका निर्माण गुज्जर समाज ने कराया था। अब 13वीं शताब्दी में आए भूकंप से ये मंदिर खंडहर में बदल गया, लेकिन इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारियों ने इस मंदिर को दोबारा बनाने के लिए निर्भय गुज्जर की मदद ली। उन्होंने उसको समझाया कि कैसे इस मंदिर का निर्माण उसके पूर्वजों ने कराया है और वो अब इसको बनाने के लिए उनकी मदद करें। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो डाकू का गैंग था निर्भय गुज्जर के साथ, वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था, जिस वजह से उन्होंने इस मंदिर को बनाने में भारतीय पुरातत्व विभाग की मदद की। इस तरह हुआ निर्भय के आतंक का अंत। किस्सा बहुत रोचक है कि आखिर इतने शहरों में फैले हुए इस आतंक के साम्राज्य पर रोक कैसे लगी। जो गिरोह आसपास के सभी चुनावों पर असर डालता था, घोषणाएं जारी करता था और सपा का खास आदमी बताता था, उसका अंत कैसे हुआ, क्यों मारा गया। दरअसल कहा जाता है कि सत्ता की नजदीकियों ने नहीं बल्कि उससे जुड़ाव ने उसकी हत्या करवाई। जैसे जैसे वो ये कहता कि वो सपा का खास है और उसने ये कह भी दिया कि शिवपाल यादव उसके भैया हैं, उसके बाद से ही कहा जाता है कि सपा में उसके प्रति नाराजगी पैदा होने लगी। इसके बाद वो कहता था कि उसको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही ये भी सुनने में आया कि वो मुलायम सिंह के आगे अपने हथियार समर्पित करना चाहता था। उसके साथ ही चुनाव के समय जब समाजवादी पार्टी से उसकी नहीं बनी तो उसने अपने दम पर न जाने कितने समाजवादी पार्टी के नेताओं को चुनाव में हराने का काम किया, जिसके बाद उसका काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर उसको खत्म करने के लिए अमिताभ यश को ये जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी, जिसके बाद अमिताभ यश ने अपनी पूरी टीम के साथ चंबल में घुसकर 7 नवंबर 2005 को निर्भय सिंह गुर्जर को मौत के घाट उतारते हुए उसका एनकाउंटर कर दिया। और एनकाउंटर करने के बाद उसका जो 30 सालों का आतंक था वो आतंक खत्म हुआ। बहरहाल ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, आप ऐसी स्टोरी अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्राइम पेट्रोल के साथ। नमस्कार।